हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गर्मी के महीने में न्यू बॉर्न बेबी की केयर के बारे में, यानी कि अगर आप बहुत जल्दी में माँ बाप बने हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ना मालूम हो कि बच्चों की देखभाल हमें कैसे करनी है। कई बार हमसे गलती हो जाती है जिस वजह से कि हमें बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, और बच्चे तो परेशान होते ही हैं, साथ ही साथ हम भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारा बच्चा है वो परेशान रहेगा तो दिल दुखता है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि गर्मी में आपके बच्चों को दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखो गर्मी के महीने में सबसे पहला काम होता है एसी, कूलर या फिर पंखे का। तो अगर आप एसी में सोते हैं तो कोशिश करें कि एसी का टेम्परेचर 28 रखें, उससे कम ना करें। उससे कम करें तो 26 तक कर लें, उससे कम ना करें, नहीं तो फिर वो आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पंखे का जो स्पीड है ना, बहुत तेज़ मत कीजिए, क्योंकि बच्चे को ना इस टाइम हवा नहीं लगनी चाहिए। हवा लग जाएगी तो बच्चा आपका बीमार पड़ जाएगा। यहाँ तक कि इस समय न्यू मदर को भी हवा नहीं लगनी चाहिए। तो दोनों की केयर करने के लिए आपको पंखा बिल्कुल आराम से चलाना होगा, बिल्कुल 1 या 2 की स्पीड पर चलाना होगा। अगर एसी है तो पंखा बंद ही रखिए। इसके अलावा कूलर के आगे तो भूल जाओ कि हमें लेटना है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 6-7 महीने का, 1 साल का हो गया है, तो आप दूर से कूलर की हवा ले सकते हैं। मतलब कि बिल्कुल सामने नहीं, थोड़ी दूर पर आप कूलर की हवा ले सकते हैं, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी के लिए कूलर की हवा बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो ऐसी गलती मत करना, नहीं तो बच्चा बीमार हो जाएगा, आप हॉस्पिटल जाएंगे, भागदौड़ी लगी रहेगी और फिर परेशान हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा बात करते हैं पानी के बारे में। गर्मी के महीने में हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो बहुत सारे लोग दिमाग में रहता है कि क्या हम बच्चे को पानी पिला सकते हैं, क्या 6 महीने से पहले बच्चे को पानी पिलाना सही रहेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। 6 महीने से पहले बच्चे को पानी पिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं तब भी, आपका बच्चा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तब भी, आपको बच्चे को पानी बिल्कुल नहीं पिलाना। 6 महीने का बच्चा हो गया तो आप बच्चे को पानी पिला सकते हैं, जूस पिला सकते हैं, फ्रूट्स खिला सकते हैं, गाजर खिला सकते हैं, यानी कि कुछ वेजिटेबल्स वगैरह खिला सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे हल्का फुल्का बच्चे को दीजिए। इसके बाद जो तीसरा काम आपको नहीं करना चाहिए वो है बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाना। देखो न्यू बॉर्न बेबी है तो आपको अच्छे से ढक के रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कई लेयर कपड़े पहना दें। बहुत सारे लोग घर के अंदर रहते हैं और बच्चे को टोपी, जुराब, दस्ताने पहना देते हैं, कई लेयर कपड़े पहना देते हैं, 3 से 4 लेयर के कपड़े पहना देते हैं, फिर उसके बाद कंबल में लपेट देते हैं। तो ऐसा मत करना, क्योंकि बच्चे को भी गर्मी लगती है, बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, बच्चे को रैसेस हो सकते हैं। आपको क्या करना है कि जब बच्चा आपका पैदा ही हुआ है तो कुछ टाइम तक, 1-2 महीने तक आपको बच्चे को कॉटन के फुल स्लीव के कपड़े पहनाने चाहिए, वो भी लाइट कलर के। डार्क कपड़े बच्चे को नहीं पहनाना आपको, नहीं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, खुजली वगैरह हो सकती है और घमोड़ या दाने वगैरह निकल सकते हैं। तो ज़्यादा डार्क कपड़े नहीं पहनाना, बिल्कुल लाइट कलर के कपड़े आते हैं बच्चों के कॉटन के, वो लेके आइए, सॉफ्ट कॉटन होता है, वो आप लेके आओ, बच्चे को वही पहनाओ। यानी कि 2 कपड़े पहनाइए, उससे ज़्यादा पहनाने की जरूरत नहीं है। और फुल स्लीव के पहना सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। दस्ताने पहनाने हैं तो आप कॉटन के आते हैं उसको पहनाइए, ज़्यादा लपेटने की जरूरत नहीं है। बाहर जा रहे हैं या फिर ज़्यादा पंखा वगैरह आप चला रहे हैं तो बच्चे को लपेट दीजिए, ज़्यादा क्या मतलब कि पंखा चला रहे हैं तो लपेट दीजिए, नहीं तो लपेटने की जरूरत भी नहीं है। बच्चे को आराम से ऐसे ही रखिए, स्टार्टिंग में तो लपेटिए, लेकिन उसके बाद 1-2 महीने का हो जाता है तो लपेटने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बच्चे को ऐसे ही रहने दीजिए। इसके अलावा गर्मी में एक परेशानी और हो जाती है मच्छरों की, बहुत ज़्यादा मच्छरों की समस्या हो जाती है। तो बहुत सारे लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो सेफ़ है आपके लिए भी, बच्चे के लिए भी, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि ऑल आउट लगा देते हैं, या फिर इसी टाइप का जो भी रिफिल आता है वो लगा देते हैं, या फिर मोर्टीन और कछुआ छाप आता था पहले, राउंड राउंड होता है, क्या बोलते हैं उसे, कॉयल्स बोलते हैं शायद, तो उसको जला देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं मच्छरों को भगाने के लिए, मारने के लिए। तो आपको आपके बच्चे के कमरे में ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली हम ऑल आउट का इस्तेमाल करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, तो उसका इस्तेमाल ना करें। कर रहे हैं तो बच्चे को उस रूम से बाहर निकाल दीजिए, थोड़ी देर उसको चला के छोड़ दीजिए, और जब बच्चा उस कमरे में आ जाता है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं होता, उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल होता है, वो आपके लिए भी सेफ़ नहीं होता। लेकिन आप बड़े हैं तो चलो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो
बच्चे के कमरे में ऑल आउट वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए। बाकी बच्चे के लिए बहुत सारे छोटे छोटे मच्छरदानी आते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बच्चे को डायपर पहनाना। देखिए डायपर पहनाने से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा राहत हो जाती है, क्योंकि बच्चे 5-6 घंटे के लिए आराम से डायपर के अंदर रहते हैं, सूसू करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में खोल के फेंक दो। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि गर्मी में डायपर पहनाना सेफ़ है, कुछ लोगों को लगता है कि सेफ़ नहीं है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। वैसे तो डायपर सेफ़ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, तो आपको क्या करना है कि जितना हो सके कम से कम डायपर पहनाइए। कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाई चांस आप पहना लो, और घूमने फिरने तो जाना नहीं इस टाइम, है ना, घर पे रहो तो ज़्यादा सेफ़ है। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है या फिर ऐसी जगह जाना है जहाँ की ज़रूरी जाना है, तो वहाँ आप बच्चे को डायपर पहना के ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जितना जल्दी हो सके बच्चे का डायपर निकाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा डायपर पहनाएंगे तो बच्चे को पसीना आएगा, घमोरिया, खुजली, रैसेस, दर्द, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको ही परेशानी होगी। तो इसलिए डायपर कम से कम पहनाइए। आपको क्या करना है कि डायपर की जगह ना बहुत सारे लंगोट आते हैं, और आजकल तो ऐसे लंगोट भी आते हैं जिसमें कि बच्चा सूसू कर देगा तो वो बेड पे आपका नहीं आएगा, ना ही आपका बच्चा उससे गीला होगा, उसके अंदर ही रह जाएगा, आप उसको चेंज कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे डायपर आते हैं जो कि कपड़ों के बने हुए होते हैं, वॉशेबल होते हैं, तो आप उनको ले आइए, बच्चे को वो पहनाइए, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, उससे बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। और आप ड्राई सीट वगैरह ला सकते हैं, बच्चे के नीचे रख दीजिए, बच्चा जहाँ लेटा हुआ है उसके नीचे रख दीजिए, तो जो भी बच्चा सूसू वगैरह करेगा उसी पे आ जाएगा, बेड भी ख़राब नहीं होगा और आपके बच्चे को दिक्कत भी नहीं होगी। तो डायपर कम से कम पहनाइए। वैसे भी डायपर सेफ़ नहीं होता, गर्मी में भी सेफ़ नहीं होता, ठंड में भी नहीं होता, तो डायपर जितना कम हो सके उतना कम पहनाइए। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो है बच्चे की मालिश करना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गर्मी में बच्चे की मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को घमोरिया और ऐसे सो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ही लंबे समय तक बच्चे को तेल लगा के छोड़ देंगे तो बच्चे को दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप बच्चे की मालिश कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के ऑयल आते हैं और वो बच्चे की स्किन के हिसाब से ही बनाए जाते हैं, तो जो उनसे तेल आपके बच्चे को सूट करता है आप वो तेल लेके आइए, उससे बच्चे की मालिश कीजिए, और मालिश करने के आधे घंटे के बाद बच्चे को नहला दीजिए। उससे ज़्यादा आपको तेल लगा के नहीं रखना है, तो बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। मालिश बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चा एक्टिव बनता है, बच्चा काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है, बच्चा बहुत ही अच्छी गहरी नींद लेता है। इसके अलावा आपके बच्चे की मांसपेशियाँ भी मजबूत बनती हैं, तो मालिश बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको 2 साल करना चाहिए, ना कुछ तो 6 महीने बच्चे की मालिश ज़रूर करें, और हो सके तो 1-1.5 साल 2 साल भी कर सकते हैं, जितना आपको लगे, लेकिन 6 महीने तक बच्चे की मालिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि मालिश से बच्चे को बहुत फ़ायदा मिलता है। सो फ्रेंड्स, देखिए ये थे गर्मी के महीने में न्यू बॉर्न केयर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।